नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उज्बेकिस्तान के डिप्टी विदेश मंत्री के साथ राजदूत सहित 5 लोगों का डेलीगेशन आगरा पहुंचा। आगरा मेयर नवीन जैन ने डिप्टी विदेश मंत्री फुरकत सिडिकोव और उनकी टीम को बुके भेंट कर उनका वेलकम किया। डेलीगेशन ने स्मार्ट सितबे के कमांड कंट्रोल सिस्टम में काम देखा है। मेयर आगरा ने स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस हाल ही में डेलीगेशन को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखाया और आगरा जो कि खूबसूरत शहर है इसकी तारीफ भी की गई है। उज्बेकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिरोज अजीजोवा ने उज्बेकिस्तान के पर्यटन के बारे में बताया। आगरा के उद्योग और नेशनल चैम्बर के प्रतिनिधि ने भी व्यापार को लेकर चर्चा की। अलीगढ़ में आवारा सांड ने खेत में पानी लगा रहे किसान को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर उससे दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग महिला पर भी हमला किया है। खेत में पानी लगा रहे किसानों पर आवारा सांड का हमला लगातार जारी है, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश मचा हुआ है। खेत में पानी लगा रहे और वहाँ बेचारे ने फाड़ दी, उनके हाथ बाहर निकाल दिए। एक महिला हो रहे, उनकी भी गंभीर स्थिति है, वो भी गाँव में। फिर आपने फोन मिलाया कहीं पर? ना, फोन न मिला किसी विभाग में। 112 नंबर? 112 लगो ही ना, फिर हमने दोबारा कोशिश ना करी, गाड़ी लेके पहुँच। कितनी बार दो बार मिलाया था, दो बार, लेकिन मिला नहीं। अब क्या चाह रहे हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पशु कितने आवारा पशु घूमते हैं आपके जंगल में? काफी ज्यादा घूमते हैं, बहुत परेशान है। प्रॉपर्टी विवाद में दोपक्षों के बीच झगड़ा हो गया। एक बुजुर्ग पर करीब आधा दर्जन विपक्षियों ने हमला कर दिया। मारपीट हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बुजुर्ग की शिकायत सुन थाने से उसे भगा दिया गया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। विजयगढ़ इलाके के ससनी रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। बदायूं में नगर पालिका दातागंज में बोर्ड की मीटिंग का पालिका परिषद के सभासदों ने बहिष्कार कर दिया। दातागंज नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और बैठक का बहिष्कार किया गया। मामला एजेंडे को लेकर के है क्या? एजेंडे को लेकर के साइन फर्जी करा लेते हैं। अभी आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोग बाहर क्यों आ गए? आनंद जी आ गए। चेयरमैन साहब का कहना ये है, जब हमारा चुनाव जीत के आए थे तो शपथ ग्रहण हुई थी, तब से लगातार ऐसी चले आ रहे हैं, ऐसी बैठक होती चली आ रही है। अब उनका कहना ये है कि असली सभासद आए, हमारे पास पूरा है, वो पूरे कागजात हम ला करके रखे हैं कि मीटिंग आप करो जा करके। हमारी मानत बाकायदा लेटर पर साइन करके दिए हैं। अच्छा, आपको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया है। पूर्व सांसद और सपा नेता रिजवान जहीर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। उनकी जमीनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तुलसीपुर के शीतलपुरा स्थित आवास को मुनादे के जरिए कुर्क किया गया। मौके पर एक कमरे की कार्रवाई की गई और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई। बरेली में विश्व का सबसे ऊंचा केक का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी हो गई है। रिकॉर्ड बरेली की जमीन पर सेंथल टाउन में टूटने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर यानी कि 5 जून 2022 को विश्व का सबसे ऊंचा केक तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सेंथल में तैयारी भी शुरू हो चुकी है। योगी जी और मोदी जी की अच्छी योजनाएं और योगी जी का पशु प्रेम, इससे प्रभावित होकर योगी जी के जन्मदिन पर 5 जून को विश्व का सबसे ऊंचा केक बरेली की टाउन सेतल में बनने जा रहा है। कितना ऊंचा बनाएंगे और क्यों ऐसा प्लान किया? पिछला विश्व जो विश्व रिकॉर्ड है वो 108.27 है फुट, 108.27 फुट, जो कि इंडोनेशिया में बना था। हम उससे ऊंचा बनाएंगे, अभी हम ये नहीं बताएंगे कि उससे हम कितना ऊंचा बनाएंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिजनौर में दोपहर के वक्त विकास भवन में पहुंची, जहां पर पहले से मौजूद डीएम और एसपी
और कई अफसरों के साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि महिलाओं को आज ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, इसलिए उन्हें भी स्वास्थ्य और पोषण के प्रति सजग रहने की जरूरत है। विकास भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के टिप्स दिए। विकास भवन के बाद राज्यपाल महोदय बिजनौर जिला कारागार पहुंचे, जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही कालीचरण की निर्मम हत्या की गई, जिसका मात्र 5 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। खुद की पॉटरी में कालीचरण का लहूलुहान श्रम मिला था। बर्खास्त के बाद खोजा में पॉटरी चलाता था सिपाही। हथियारों ने कालीचरण के चेहरे पर धारदार हथियार से तमाम वार किए थे। 2015 में यूपी के रायबरेली से बर्खास्त कालीचरण को किया गया था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी, जांच में जुटी और पुलिस ने मात्र 5 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर हत्या करने वाले अशोक कुमार को हत्या में इस्तेमाल रॉड सहित गिरफ्तार कर लिया। खुर्जा नगर में आज सुबह चोला रोड के पर हसनपुर गांव हसनगढ़ गांव की सीमा में एक बहुत छोटे स्तर की पॉटरी की फैक्ट्री है, जिसमें केवल 10 फीट ऊंची बाउंड्री वाल और छोटा सा टिन सेट है। उसके मालिक कालीचरण, जो उसमें रात को सोए हुए थे, उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास है, और ये सिर में चोट पहुंचा करके इनकी हत्या की गई थी। और मात्र 4-5 घंटे के भीतर ही इस घटना का अभियुक्त अशोक सना फतरपाल, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है और इन्हीं के साथ वहीं रहता था, ई रिक्शा चलाने का काम करता था, का पाद जो ये बनाते हैं उसी ई रिक्शा पर लाद करके पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। दोनों साथी शराबी थे और आपस में शराब पीने के दौरान इनके बीच में गाली गलौज हुई और उसी के फलस्वरूप इसके द्वारा राग मार करके इनकी हत्या कर दी गई। और सुबह शुरुआती दौर में वो झूठ बोलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके द्वारा इस घटना का इकबाल कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष पोखरी ध्वजवीर सिंह पवार ने बताया कि सन 2020 में उपरोक्त अभियुक्तों ने पोखरी त्रिशूला गांव निवासी प्रमोद सिंह से ऋषिकेश एम्स में नौकरी दिलाने का लालच देकर उससे 70,000 रुपये ठग लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर तब दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद से करीब 1 साल से वे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, जिसमें न्यायालय ने उनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया और बताया कि अभियुक्तों के पते पर छापा मारा गया है, तलाशी की गई तो वे वहां से लापता मिले, लेकिन पुलिस की तलाश जारी रही और दोनों ठगों को कर्णप्रयाग से धर दबोच लिया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान ले रहे हैं। पीएमओ ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संजीदगी दिखानी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं के चलते केंद्र ने संज्ञान लिया और केदारनाथ रूट पर एनडीआरएफ को तैनात किया है। आप अवगत हैं कि चारधाम यात्रा इस साल 2 साल के बाद शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले साल भी अंत में बहुत सीमित समय के लिए चारधाम यात्रा चली थी और इस साल शुरू से ही लोगों में काफ़ी उत्साह था। जो लोग 2 साल नहीं आ पाए वो काफ़ी बड़ी संख्या में आए, और पहले दिन, क्योंकि एक दिन पहले लोग आ जाते हैं, लगभग हर प्रत्येक वर्ष पहले दिन संख्या डबल हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः लोग जो एक दिन आते हैं और उतने वापस भी चले जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास चंपावत विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, इस वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सिंगापुर में होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिंधु ने कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी दी। ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनंतरित होकर दरेशपुर के सुभाष चौक चौराहे में 3 दुकानों में जा घुसा, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। केमिकल से भरा ट्रक गदरपुर से रुद्रपुर सिटकुल की ओर जा रहा था। मुख्य चौराहे दरेशपुर में अचानक ट्रक का पहिया फट गया और अनंतरित होकर ट्रक 2 दुकानों से घुसते हुए 3री दुकान में जाकर रुका, जिससे 3 दुकान के सामान भारी मात्रा में तहस नहस हो गए हैं। हालांकि यह गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।
दुकान के अंदर हम दो भाई थे, दो भाई दुकानदारी कर रहे थे। अब ये गाड़ी उल्टे रॉन्ग साइड से आ गया और आके सीधा एकदम स्पीड से, ना कोई ब्रेक मारा ना कुछ, अचानक से पूरा सामने आ गया। दो कस्टमर थे सामने, वो तो भाग गए, उनका कुछ नहीं हुआ। बस हमारा नुकसान क्या हुआ, ये सामने जो काउंटर लगा था मेरा, वो काउंटर वो फ्रिज था पूरा बड़ा वाला, वो फ्रिज मेरा नुकसान में फ्रिज गया। और वो मेरा साइड का जो वो लगा था बोर्ड लगा था साइड में, वो भी गया, उसका भी नुकसान हो गया। नुकसान हमारा करीब उधम सिंह नगर के गदरपुर में पैसों की खातिर मुनाफाखोर अब लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ करने से नहीं चुक रहे। गदरपुर में मुनाफाखोर उधम सिंह नगर में टाटा नमक के नाम से नकली नमक बेच रहे हैं। नकली नमक बेचे जाने की शिकायत पर पुलिस एसओजी ने टाटा कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर कई शहरों में छापा मारकर सैकड़ों कट्टे नकली नमक बरामद किया। टाटा कंपनी को उधम सिंह नगर के गदरपुर, जसपुर, किशनपुर में टाटा के नाम से नकली नमक बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टाटा कंपनी के अधिकारियों ने इस शिकायत की जांच की तो उन्हें टाटा कंपनी के रैपर में नकली नमक बेचे जाने की पुष्टि हो गई। जिसके बाद कंपनी अधिकारी ने बुधवार की शाम को पुलिस और एसओजी टीम के साथ मिलकर व्यापारियों की दुकानों पर देर रात छापे मारे। छापे के दौरान सैकड़ों कट्टे नकली नमक बरामद हुआ है। गदरपुर में और किशनपुर में और जसपुर में जो नमक की बहुत बड़े लेवल पे सप्लाई हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हमने यहाँ से परचेजिंग भी की है सर, कुछ दुकानदारों से एक दो दिन पहले हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। तो एसएसपी साहब से हमारे सीनियर अधिकारियों ने मुलाकात की थी, तो एसएसपी साहब ने हमें एक स्पेशल टीम दी थी जिसके साथ हमने सभी जगह पे इकट्ठी रेड हुई है और सब जगह से रिकवरी हुई है। जो गदरपुर है यहाँ से मुलक राज जो प्रोविजन स्टोर है उससे, चरणजीत प्रोविजन स्टोर है उससे, और अमित प्रोविजन स्टोर जो है उससे। गदरपुर पुलिस ने कार्रवाई की तो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती गांव से 7,000 लीटर लहन नष्ट किया है, तीन भट्टियां भी तोड़ी। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया कि एसएसपी महोदय के निर्देश के बाद गदरपुर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में स्नेकिया चौकी क्षेत्र के इंचार्ज राहुल राठी के नेतृत्व में एक टीम ने उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जंगल में छापा मारा, जहाँ पर दो गाँव से 7,000 लीटर लहन नष्ट किया गया और साथ ही अवैध कच्ची शराब तीन भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। जी देखिए, हमारे गदरपुर क्षेत्र और आसपास के गांव में स्पेशली सगैनिया क्षेत्र में अवैध शराब की और भट्टियों की शिकायत मिलती रहती है, तो उसी क्रम में हमने अपने एसएसपी सर के निर्देशानुसार कल इसमें अभियान चलाया और आज जो है प्रातः चौकी इंचार्ज सगैनिया और उनकी टीम के द्वारा कलकत्ती क्षेत्र में जो है जंगल के अंदर तकरीबन तीन जो है भट्टियाँ तोड़ी और लगभग 7,000 लीटर लहन इसमें नष्ट किया। मौके पर कोई भी व्यक्ति मिला नहीं है और आगे भी इस तरीके का अभियान जारी रहेंगे। हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर पिकअप गाड़ी अंतर होकर पलट गई। पिकअप गाड़ी में सवार एक की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए हैं, 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप गाड़ी में 8 भट्टी के मजदूर और 3 शादी बारात में ढोल बजाने वाले सफर कर रहे थे। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ है। मामला थाना चिकासी के चुरहा गाँव के पास स्थित नहर का है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर अनियंत्रित होने से पिकअप पलट गई और जिसमें एक की मौत हो गई है, 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई में एक छात्रा को फेल करने की धमकी देकर एक महाविद्यालय के लिपिक के द्वारा छात्रा से रेप और उसके बाद अक्सर उसे बुलाए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अब उस पूरे मामले में तमाम कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र में डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज की एक छात्रा ने थाना कोतवाली में एप्लीकेशन दिया कि उसी कॉलेज का एक लिपिक
जिसने फेल करने के की धमकी दे करके उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब मोनू जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसी विद्यालय का लिपिक है, फिर उसकी शेष कार्रवाई विधि कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में बिलहोरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेम्पो सवार लोगों को विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतकों की अभी शिनाख्त हो गई है, जिनमें माँ बेटी शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। सड़क हादसे में एक ऑटो जो है जा रहा था वहाँ से हरपालपुर से सवाईजपुर, और एक डंपर सवाईजपुर से हरपालपुर की तरफ जा रहा था, जिसमें टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई थी और एक शिनाख्त हो गई है मृतक जो है। इसमें एक मूर्ति देवी है और इनका एक बच्चा है। मूर्ति देवी पाली की रहने वाली हैं और बच्चा 7 साल का है, और एक मृतक और हैं जो लोनार के रहने वाले हैं। वो बाइक से थे, वो भी जा रहे थे सवाईजपुर की तरफ, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इसमें सर कितने की मौत है और कितने लोग घायल हैं? 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग कुल घायल हैं। काशीपुर से लगे थाना कुंडा क्षेत्र में 2 दिन पहले मिट्टी उठाने को लेकर हुए विवाद और गोलीकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए वारदात में शामिल आरोपियों में से एक आरोपी सतनाम सिंह उर्फ टाइगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। नौ मई की रात्रि को सूचना मिली थी कि पन्नू फार्म के निकट भरतपुर गांव है, उस वहीं पर खनन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और जिसमें एक पक्ष के द्वारा वहां पर फायरिंग की गई, जिसमें कि एक मुख्य अभियुक्त सतनाम सिंह को मौके से गिरफ्तार किया गया है। उससे 315 बोर का एक 312 बोर का असला बरामद हुआ है। यूज्ड राउंड भी 2 बरामद हुए हैं, जो एक 32 बोर के हैं, 312 बोर के 2 और 32 बोर के 2-4 जो यूज राउंड हैं वो घटनास्थल से बरामद हुए हैं। इसमें जो वादी हैं अनूप सिंह, उनके पक्ष के ही जो उनके साथ काम करते थे जोगा सिंह, वो घायल हुए और अभी अस्पताल में भर्ती हैं। नैनीताल में दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासक मुकेश बोरा की मांग पर सूबे के दूध विकास मंत्री सौरभ गबोड़ा ने सहमति जताई है। पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को अब लाभ मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।